एयरपोर्ट की ओर। ये एयर अस्ताना है और ये फ्लाई एयर अस्ताना है, तो इसकी आपको सस्ती फ्लाइट मिलेगी और ये अस्ताना की आपको महंगी मिलेगी, लेकिन इसमें बैगेज का प्रॉब्लम है। नहीं, साइकिल का बैग तो आ चुका है, देखो। यहाँ पर टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पे आप आके देख सकते हो इन्फॉर्मेशन सेंटर, और मैप और बुक्स वगैरह ले सकते हो, जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। ये भैया हैं शिमकेंद में, शिमकेंद अगर आ रहे हो आप ट्रैवल करने। ये कजाकिस्तान का शिमकेंद एयरपोर्ट है, जो आप देख सकते हो बहुत छोटा एयरपोर्ट है, यहीं से सारा कवर किया जा रहा है। ATM आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अपने पैसे निकालने के लिए, जिसको भी पैसा निकालना है, और यहाँ से इंटरनेशनल भी आप वापस जा सकते हो अगर आ रहे हो। ये दूसरी साइकिल है, और एक उधर खड़ी हो चुकी है गुरुजी की हमारे, और ये कसी जाएगी। कैसा लग रहा गरीब ट्रैवल करें? तो साइकिल को प्लेन में लाने के लिए हवा बहुत अच्छी चल रही है, साइकिल को प्लेन में लाने के लिए हमने पे किया है 3800 रुपीज़, और वेट ज़्यादा हो गया था, तो जो चेक करने वाले आए थे उन्होंने बोला कि भाई ज़्यादा आपका वेट, फिर उन्होंने कहा चलो ले जाओ फ्री है आपके लिए, और फ्लाइट की जो टिकट है वो है सिर्फ 5000 रुपये की, और कजाकिस्तान का एयरपोर्ट आपको दिखाया है, यहाँ पर वीज़ा फ्री है, आप आओ और वीज़ा आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, मतलब वीज़ा नहीं होता है, वीज़ा विदाउट वीज़ा ही है, है ना गुरुजी? बिल्कुल फ्री है, ये चीज़ें जो है यूट्यूबर बताते ये बताते नहीं है कोई, कि यहाँ पे इतना सस्ता ट्रेवल कर सकता है आदमी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग आए यहाँ पे। इट काजू कतली स्वीट स्वीट सही, काजू ड्राई फ्रूट काजू, यस थैंक यू वेरी मच, अरे टेस्टी टेस्टी। साइकिल रेडी हो चुकी है और इसको जो है फेंकने जा रहे हैं, इंडिया की तरह नहीं है, कहीं भी छोड़ दो, और भैया मेरी मदद कर रहे हैं, ये कूड़ादान यहीं पे है 50 मीटर की दूरी पे है जहां हमने साइकिल अपना ठीक किया, तो ये कुछ गेटअप रेडी कर लिया है, चलने की तैयारी हो चुकी है, काली बिल्ली रास्ता काट रही है। तो ये कूड़ा फेंक दिया है, सो दिस इज़ गार्बेज एरिया, ओके सो ये यहाँ का गार्बेज एरिया है, एंड दिस इज एयरपोर्ट, अच्छा वेयर हाउस, तो कूड़ा सब यहाँ आके फेंकते हैं खुद आके, कोई आता नहीं है लेने। धूप बहुत अच्छी है यहाँ की, विंड चल रही है ठंडी, तो इस वजह से थोड़ा धूप का पता नहीं चल रहा है, आसमान खुला है बिल्कुल, सांस लेने में फेफड़े जो है अंदर के बिल्कुल जाग जा रहे हैं, हवा अंदर से बाहर तक पूरी महसूस हो रही है यहाँ की। गुड मैन एंड ही हेल्प अ लॉट इन कजाकिस्तान, सो कभी भी आप आओ शिमकेंद जरूर उतरो। सो अब इनको सब्सक्राइब भी करवा देते हैं।
साइकिल रेडी हो चुकी है, अब निकलते हैं। मैप उनके पास है और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक्स। ये एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस, ये भी है, यहाँ से जा सकते हो, वहाँ से वापस आ सकते हो। चलते हैं यहाँ से, जर्नी पे जा रहे हैं अपने होटल की ओर। एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर है, देख सकते हो आप। रोड यहाँ के काफ़ी स्मूथ है। मेरे साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है गियर में, इसको मैं फिक्स करूँगा आगे चल के कहीं। बाकी सब अच्छा चल रहा है। ये यहाँ की कुछ इस तरीके की मस्जिद है, देख सकते हो, कुछ अलग ही स्टाइल का है, पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप का। और ये हम अपनी जर्नी पे जाते हुए, ये यहाँ का कार वॉश पेट्रोल पंप, अभी भी 8-7 किलोमीटर बाकी है, चलते हैं फिर। दो हिल्स आ गए, अब जाके थोड़ा सा राहत मिलता है। लेकिन ये विंड जो है ना, विंड भाई आपको कभी साइकिल नहीं चलाने देगी। विंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। अभी भी 5 किलोमीटर है होटल हमारे यहाँ के लोकेशन से। ये इनके रोड हैं, एकदम क्लीन, एक धूल भी नहीं है रोड के किनारे। और रोड के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो रोड। बताओ सर, कैसे लग रहे हैं आपको? ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्लीन देख रहे हो। सामने ग्रीन देखो कितना है, उसके ऊपर घास है एकदम, और उसमें भी कोई कचड़ा नहीं है, कोई पत्ता नहीं गिरा हुआ उस घासों में भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पत्ते गिरे हुए। ये आ चुके हैं हम अपने होटल के लोकेशन पे। साइकिलें बाहर खड़ी हैं, चेक इन करते हैं। 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं और हम 3 बजे लैंड करे थे। 5 बजे तक हमारी साइकिल कंप्लीट, 5 बजे से राइड करी। बीच में एक जगह मेले में रुके थे, फिर उसके बाद यहाँ आए। तो कितने घंटे लग गए हमें? 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ लैंग्वेज रशी आती है बस, और कुछ नहीं। ये होटल है हमारा कुछ इस तरीके का। मुझे लगा एक पासपोर्ट में हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरा पासपोर्ट भी चाहिए। अपना पासपोर्ट किधर है भाई? इस तरफ है। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर बस लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी आपको, कहीं भी देखो चाहे। वहाँ कैलेंडर भी, बोर्ड भी, बैनर भी, रूम में क्या लिखा है वो भी, यहाँ भी, इधर भी, हर तरफ लैंग्वेज, इधर भी। ये 500 रुपये का रूम ले आया हूँ आपका बैग में, दे रहा हूँ। और इसमें हमें मिला है ये बेड और ये बेड, शेयरिंग है ये पूरा 10 का।
एक ये चादर दी है बिछाने के लिए, एक ये चादर दी है, बड़ी चादर है ओढ़ने के लिए, टॉवल दिया है बहुत साफ़ सुथरा है, और तकिए का खोल भी दिया है लगाने के लिए। सफाई एक नंबर है बिल्कुल, और नीचे जो है धूल एक तिनका भर भी नहीं है, क्योंकि ये चप्पल बाहर पहन के नहीं जा सकते हो, सिर्फ ये चप्पल अंदर ही पहन सकते हो, हॉस्टल के अलग ही कानून है। तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये हीटर है आई थिंक, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। गुड नाइट, एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं, पहुंच गए हम यहाँ। तो जो साइकिल लाना चाहते हैं वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस तरीके से ला सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है लाने के।